1858 में आज ही के दिन महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने साबित किया कि पौधे सांस लेते हैं और उनमें भाव भी होते हैं। मार्गोनी द्वारा अपने आविष्कार को पेटेंट कराए जाने से पहले ही बोस ने वायरलेस टेलीग्राफी को ईजाद कर लिया था। साल 1929 में आज ही के दिन अमेरिकी नागरिक रिचर्ड बायर्ड दक्षिणी ध्रुव पर उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने। इस उड़ान में उन्हें 18 घंटे लगे। इससे 3 साल पहले ही बायर्ड ने उत्तरी ध्रुव पर भी उड़ान भरी थी। आज ही के दिन 1939 में रेड आर्मी ने 4,65,000 सैनिकों और 1,000 विमानों के साथ सोवियत फिनलैंड सीमा को पार किया। सैनिकों ने हेलसिंकी पर हमला किया और एक ही हमले में 61% लोग मारे गए। पूरी दुनिया में इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ। साल 2000 में आज ही के दिन लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में प्रियंका चोपड़ा के सिर पर महज 18 साल की उम्र में विश्व सुंदरी का ताज सजा।